देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने भी देखा कि मदरसों में पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बड़ी अनियमितताओं की शिकायतें आपको भी पता है और हमें भी पता है। हमारी सरकार जब से आई है, हमारी सरकार तो हमेशा अच्छा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार पारदर्शी काम कर रही है। अब हमारे पास तमाम शिकायतें लगातार माननीय मुख्यमंत्री के पास में, हमारे मंत्रालय में आ रही थी कि कुछ बहुत से मदरसे ऐसे हैं प्रदेश के जिनके अंदर शिक्षकों की भर्ती बहुत ही अनियमितता के तहत की गई है, जिनकी डिग्रियां फर्जी पाई जा रही हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि फर्जी डिग्री के तहत वहां नौकरियां दे रखी हैं मदरसों ने। तो ये बड़े तादाद पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए आदेश किए हैं कि एक कार्य योजना बनाकर एक हफ्ते में हमको सौंपी जाए और उसके बाद इन सारे ही मदरसों के, उत्तर प्रदेश के जो अनुदानित मदरसे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी सबकी जांच हो कि वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी क्या योग्यता है, किस तरह से वो रखे गए, उनके प्रपत्रों की जांच होना चाहिए। जो उन्होंने अपनी डिग्रीज दी हैं उनकी बाकायदा तरीके से जांच के लिए कहा है कि उनकी जांच करके देखा जाए, अगर कोई गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग उसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बहुत बड़ा धन पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से दिया जाता है कि उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए जो पात्र लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, वो उसमें छात्र बने, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और बच्चों को आगे बढ़ाएं, ना कि अपात्र लोगों को जिनके पास ना कोई डिग्री है, फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोग अगर हैं तो उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो लोग उनके पीछे हैं। क्योंकि मदरसा माफिया तंत्र भी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एक बहुत बड़ा सक्रिय रहा है, उसको तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। हमने पारदर्शी कर दिए हैं मदरसे, आज हमारे मदरसों में एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू हो गई है, हमारे मदरसों में आज अच्छी आधुनिक हो गया है, सारे मदरसे आधुनिकीकरण के तहत काम कर रहे हैं, कंप्यूटरीकरण हो गया है, सारे मदरसे पोर्टल पर आ गए हैं। तो अब ये शिक्षकों को लेकर जो बात उठ रही थी बार बार, उसको लेकर भी एक बार पर्दाफाश करना है कि सारी चीजें साफ हो जाएं कि कौन मदरसों में इस तरह की चीजें हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए जो पात्र लोग हैं उनको वहां रखा जाए और जो अपात्र लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा।